नमस्कार साथियों, वेलकम टू पीके फार्म क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गुजर लादिया, फार्मासिस्ट, आप सभी का पीके फार्म क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मासिस्ट एमसीक्यू, जो कि आने वाली हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जीपैट हो, नाइपर हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो या फिर फार्मासिस्ट के एग्जाम हो। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एंड टेलीग्राम के लिंक दे रखे हैं, वहाँ आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की वैकेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पीके वैकेंसी हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर वन, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट यूजुअली इज। तो एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट का मिनिमम ड्यूरेशन मेनली कितना होता है, वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए नॉट लेस देन 1 डे, ऑप्शन बी नॉट लेस देन 5 डेज, ऑप्शन सी नॉट लेस देन 10 to 14 डेज एंड ऑप्शन डी इज नॉट लेस देन 3 वीक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कमेंट्स कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉट लेस देन 5 डेज। यानी जो एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट होता है उसको मिनिमम हम कितने दिन की ड्यूरेशन रखते हैं, वो रखते हैं 5 डेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर एंटीबायोटिक्स एक्सेप्ट। तो इन चार ऑप्शन में से देख के आपको बताना है कि कौन सी एक ड्रग का नाम है जो कि एंटीबायोटिक नहीं है। ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन बी पेनिसिलिन, ऑप्शन सी कोट्रीमोक्साजोल एंड ऑप्शन डी क्लोरामफेनिकोल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोट्रीमाजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बैक्टीरियाइडल इफेक्ट इज। बैक्टीरियाइडल इफेक्ट क्या करता है बैक्टीरिया पे। ऑप्शन ए इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल डिवीजन, ऑप्शन बी इनहिबिशन ऑफ यंग बैक्टीरियल सेल ग्रोथ, ऑप्शन सी डिस्ट्रॉइंग ऑफ बैक्टीरियल सेल्स एंड ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल L4। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिस्ट्रॉय ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियाइडल क्या करता है, बैक्टीरियल सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अब आपसे पूछे कि बैक्टीरियो स्टैटिक क्या करता है, तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन आगे आने वाला है, तो आप उसका कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हो कि उसका आंसर क्या होगा, बैक्टीरियो स्टैटिक इफेक्ट इज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 4, तो बैक्टीरियो स्टैटिक इफेक्ट इज। तो बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट क्या करता है, अभी हमने देखा था बैक्टीरियाइडल जो कि क्या करता है, बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय करता है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक क्या करेगा, ऑप्शन ए दे रखा है इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल डिवीजन, ऑप्शन बी इनहिबिशन ऑफ यंग बैक्टीरियल सेल्स ग्रोथ, ऑप्शन सी डिस्ट्रॉइंग ऑफ बैक्टीरियल सेल्स एंड ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल L4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल डिवीजन। तो बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल में अगर डिफरेंस देखें तो बैक्टीरियोस्टैटिक इनहिबिशन करते हैं सेल वॉल के डिवीजन का, वहीं बैक्टीरियोसाइडल जो बैक्टीरियल की जो सेल होती है उसको ही डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक कंटेंट्स ए बीटा लैक्टम रिंग इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। तो इन चारों ऑप्शन में से देख के आपको बताना है, या फिर इन ऑप्शन में से देख के आपको बताना है कौन सी बैक्टीरिया, कौन सी एंटीबायोटिक है जो कि बीटा लैक्टम रिंग रखती है। ऑप्शन ए पेनिसिलिन, ऑप्शन बी सेफेलोस्पोरिन, ऑप्शन सी कार्बापेनम एंड मोनोबैक्टम्स एंड ऑप्शन डी ऑल ग्रुप्स। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ग्रुप्स। यानी पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन और कार्बापेनम एंड मोनोबैक्टम, ये सभी क्या है, बीटा लैक्टम रिंग रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, टेक द ड्रग बिलोंग टू एंटीबायोटिक मैक्रोलाइड्स। तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक कौन सी है, इन चार ऑप्शन में से देख के आपको बताना है, नियोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एथ्रोमाइसिन और या सेफोटैक्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एरिथ्रोमाइसिन। तो एरिथ्रोमाइसिन क्या है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टेक द ड्रग बिलोंग टू एंटीबायोटिक कार्बापेनम। तो इनमें से आपको देख के बताना है कि कौन सी ड्रग है जो कि कार्बापेनम एंटीबायोटिक है, एजिट्रोनम, अमोक्सिसिलिन, इमिपेनम या क्लेरिथ्रोमाइसिन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इमिपेनम। इमिपेनम और मेरोपेनम ये क्या है, कार्बापेनम एंटीबायोटिक है।
आज की वीडियो में हम एंटीबायोटिक से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं मेनली, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे MCQ डिस्कस कर रखे हैं चैप्टर वाइज, इसके अलावा फार्मा MCQ, तो आप उनको देख लें ताकि आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, टेक द ड्रग बिलोंग टू एंटीबायोटिक मोनोबैक्टर। तो मोनोबैक्टर्स को कौन सी ड्रग है जो कि बिलोंग करती है? ऑप्शन ए एम्पिसिलिन, ऑप्शन बी बीसीसिलिन 5, ऑप्शन सी एजोट्रोनम एंड ऑप्शन डी इमिपेनम। तो अभी हमने देखा था इमिपेनम, लास्ट क्वेश्चन में इमिपेनम था कार्बापेनम एंटीबायोटिक से, और मैको अब यहाँ पे पूछा है हमसे मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक के बारे में। तो मोनोबैक्टम कौन सा है, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एजोट्रोनम। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, टेक द ड्रग बिलोंग टू एंटीबायोटिक सेफलोस्पोरिन। तो सेफलोस्पोरिन कैटेगरी की कौन सी एंटीबायोटिक है इनमें से, वो आपको देख के बतानी है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, सेफाक्लोर, फिनोक्सी मिथाइल पेनिसिलिन या फिर इरिथ्रोमाइसिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेफाक्लोर। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है जो सेफाक्लोर है वो सेफलोस्पोरिन की कौन सी जनरेशन की ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऑल ऑफ एंटीबायोटिक आर एमिनोग्लाइकोसाइड एक्सेप्ट। तो यहाँ पे एमिनोग्लाइकोसाइड के एग्जांपल दे रखे हैं, उनमें से एक एग्जांपल एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक का नहीं है, वो कौन सा है जो कि एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक नहीं है? ऑप्शन ए जेंटामाइसिन, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन सी क्लिंडामाइसिन एंड ऑप्शन डी नियोमाइसिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लिंडामाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पिक आउट द बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर ऑफ को एडमिनिस्ट्रेशन विद पेनिसिलिन। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है जिसे हम पेनिसिलिन के साथ में देते हैं। ऑप्शन ए क्लेविनिक एसिड, ऑप्शन बी सालबैक्टम, ऑप्शन बी टेजोबैक्टम या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर की बात करें तो इसे सुसाइडल इनहिबिटर या फिर सुसाइडल एंटीबायोटिक भी बोलते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये क्लेविनिक एसिड, सालबैक्टम एंड टेजोबैक्टम, ये क्या है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एमिनोग्लाइकोसाइड हैव द फॉलोइंग अनवांटेड इफेक्ट। तो इनमें से कौन सा अनवांटेड इफेक्ट है जो कि एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक के साथ में होता है? ऑप्शन ए पैनसाइटोपेनिया, ऑप्शन बी हेपेटोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन सी ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ऑप्शन डी इरिटेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एंटीबायोटिक्स इनहिबिट द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस आर। तो कौन सा एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, टेट्रासाइक्लिन्स, एमिनोग्लाइकोसाइड या फिर मैक्रोलाइड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो है वो क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट। तो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट वाली कौन सी ड्रग है, इन चार ऑप्शन में से देख के आपको बताना है, ऑक्सासिलिन, अमोक्सासिलिन, बीसीसिलिन 5 या पेनिसिलिन जी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सासिलिन। तो ऑक्सासिलिन पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट ड्रग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वैंकोमाइसिन हैज द फॉलोइंग अनवांटेड इफेक्ट। ऑप्शन ए स्यूडोमोनास कोलाइटिस, ऑप्शन बी हेपेटोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन सी रेडनेक सिंड्रोम या फिलिबाइटिस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो वैंकोमाइसिन का अनवांटेड इफेक्ट कौन सा इनमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेडनेक सिंड्रोम एंड फिलिबाइटिस। तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन, इसी तरीके की फार्मासिस्ट MCQ या फिर फार्मासिस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में आए वेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता है नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।